हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्रिक्स 377। आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2019-20 की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 45 डेज जब आपके पास बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और इसमें हम पूरी जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे वैकेंसीज कितनी है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी और जो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो उसमें इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट देखिए, मैं आपको जो है सारी चीज इसमें क्लियर करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास इनफ डेज आप बचे हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 45 डेज आपके पास बचे हैं, मैं बताता हूँ आपको 45 डेज में जो है आपको कैसे क्या तैयारी करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज के सभी अपडेट टाइम टाइम मिलते रहे। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आपने वो वीडियो देखकर एग्जाम दिया होगा, प्रिपरेशन करी होगी, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है काफी अच्छा गया होगा और आपको 2 से 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का। इस मंथ के लास्ट तक आपको 31 दिसंबर तक आपको जो है रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वैकेंसीज, जो आपकी वैकेंसीज इस बार आई है 926 वैकेंसीज आई है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में। इससे पहले जो वैकेंसीज आपकी 2017 में आई थी वो 700 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसीज थी, तो इससे हल्की आपकी वैकेंसीज बढ़ी है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। तो आप अपनी तैयारी जो है बहुत जोरों से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 45 डेज बचे हैं। इसे मैं आपको जो है पूरा बेसिक से शुरू कराऊंगा। मैं पहले भी जो है वीडियो डाल चुका हूँ बेसिक के लिए, तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं जो है कल से आपको जो है सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, वो बिल्कुल हाई लेवल तक हम जाएंगे। इसकी प्रिपरेशन आप मेरे साथ साथ करिए और डेफिनेटली हम 45 डेज के बाद जो है इस एग्जाम जब हम देने जाएंगे एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली आपके पास इतना मटेरियल होगा और आपके पास इतनी जो है बेसिक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है आराम से जो है विद इन टाइम आप जो है आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स की अगर हम बात बताता हूँ मैं आपको, तो एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हो गई, आप फॉर्म 23 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट आपकी जो है 16 जनवरी है। और जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपको 14th और 15th फरवरी को आपको होने वाला है। तो आपके पास अगर हम देखा जाए तो 45 से 46 डेज आपके पास बचे हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप अभी से करोगे तो आप जो है डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाती है। कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में वीडियो के। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिजल्ट की बात करें, जो असिस्टेंट प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपको फेब टू मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा, या तो फरवरी के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, मार्च के जो है फर्स्ट वीक में। और जो आपका मेंस का जो एग्जाम है अभी तक उसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, ये आपका मार्च में मिड तक आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न आपको पता ही होगा, वही बैंकिंग का पैटर्न है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये प्रीलिम्स है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो आपके 2 फेज आपके होने वाले हैं, जिसमें आपका एक प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका जो है अगर प्रीलिम्स आप क्रैक कर लेते हो तो मेंस होता है, और मेंस के बाद एक आपका जो है प्रोफेशनसी लैंग्वेज टेस्ट, आपका लैंग्वेज टेस्ट में दिया जाता है, जो कि आपके जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप जो है डेफिनेटली पास है। तो फ्रेंड्स, इन सब के लिए आपको जो है कंपोजिट टाइम मिला हुआ है, इसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइम आपको 1 आवर का। तो इसको लिए आपको जो है 1 आवर पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको जो है मैनेज करना है 3 सेक्शंस, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस रहेगी 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 है, जो कि 100 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स, यही पैटर्न है। मैं आपको पहले भी जो है वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या क्या सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग एबिलिटी में जो है पजल बहुत इंपॉर्टेंट, पजल की इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा है। पजल के लिए मैंने काफ़ी वीडियोज बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मंडे ऑनवर्ड से जो है हम इसकी स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। जैसे हमने पहले सिलोजम उठाया, तो सिलोजम जो है पहले हम 2 से 3 क्लासेस सिलोजम को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जो है पजल्स को उठाएंगे। पजल्स में जैसे आप मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट हमें करना है, तो हम 5 से 6 क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट के करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊँ कि आपको अप्रोच कैसे करनी है, क्योंकि पजल का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको बता रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पजल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। पजल में आपको पॉइंट वाइज चलना पड़ता है, इसे मैंने आपको बताया भी है पहले कि कैसे आपको जो है कैसे आपको वर्क करना है, ताकि आप जो है कम से कम टाइम दे के ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्रोच करके अच्छे से बना सकें।
तो फ्रेंड पजल के लिए आप मेरी वीडियोस जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और इसमें मैं आपको बताऊंगा मंडे से जब भी स्टार्ट करेंगे कि आपको अप्रोच कैसे करनी है। सर्कुलर पजल, लीनियर पजल, स्क्वायर पजल, जो भी आपकी पजल रहती है, ट्रायंगुलर पजल जो भी आपकी पूछी जाती है, मैं सारे की सारी पजल आपको जो है यहाँ पर करवाऊंगा। इस क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, सारा जो है मटेरियल आपको इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज पड़ी है, अगर आपने टेस्ट सीरीज कोई परचेज कर लिया है वहाँ से आप जाके एक क्वेश्चन लगा सकते हैं, या फिर आप आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स की एक बुक बुक ले आ जाइए प्रीवियस ईयर की, जिसमें प्रीवियस ईयर के 10 to 20 मॉक टेस्ट आपके हो तो आप उसमें भी जाकर के लगा सकते हैं विद इन टाइम लिमिट। आप जैसे रीजनिंग का लगा रहे हैं तो आप 20 मिनट्स उसमें सेट कर लीजिए, 20 मिनट्स में जो आप करना है आपको रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, क्योंकि आप 20 मिनट्स अगर रीजनिंग को देते हैं, 20 मिनट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी को देते हैं 25 मिनट्स के अराउंड, और इंग्लिश का आप 15 मिनट्स भी देते हैं तो भी आपका जो है सेक्शन आराम से सॉल्व हो जाएगा, और आपके पास जो है अच्छे खासा टाइम बच जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15 मिनट्स, ताकि आप जो है अच्छे से इंग्लिश को सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स ये काम आप पहले कर लीजिए, कोई एक बुक लेके आ जाइए, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो कोई भी प्रीवियस ईयर की आप बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की आती है, ओरिएंट की आती है, आप कोई भी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की जिसमें आपके 10 to 20 मॉक टेस्ट हो, वो आप लगाने स्टार्ट कर दीजिए साथ के साथ, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, आप जो है प्रीलिम्स आराम से क्रैक कर पाएंगे, उसके बाद आप अच्छे से जो है मेंस पे फोकस, अभी साथ के साथ हम मेंस पे ही फोकस करते हुए चलेंगे, क्योंकि मेंस की जो प्रिपरेशन है आप 15 से 20 दिन में नहीं कर सकते, तो यहीं से मैं आपको बताऊंगा जनवरी से मैं मेंस के लिए भी आपको इसी चैनल पर आपको सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है बहुत आसानी से इसमें क्रैक कर सकते हैं, अभी आपके पास इनफ टाइम है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपने मान लीजिए प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज होगा जो कि आपका लास्ट फेज है मेंस। मेंस में आपके जो है 1, 2, 3, 4, 5 आपके सेक्शन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। सेक्शन टाइमिंग इसमें है, उसमें आपका कंपोजिट टाइम था प्रीलिम्स में, क्वालिटी एप्टीट्यूड आपके 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जिसमें आपको 30 मिनट्स इसमें ही मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स, कंप्यूटर नॉलेज में आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 25 मिनट्स के लिए आपको मिलते हैं। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स, और आपके जो टाइम है वो है 135 मिनट्स। तो आपके पास इतना टाइम जो है काफ़ी इनफ टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसके बाद अगर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका 99% आपका जो है एग्जाम क्लियर हो चुका है। अगर आपने फॉर्म में लैंग्वेज की जो प्रोफेशनसी जो है भरा था कि आपको हिंदी आती है या फिर उर्दू तेलुगू जो भी आपने भरा है, अगर आपने वो लैंग्वेज अगर 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी है तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, आप डेफिनेटली जो है एग्जाम के लिए जॉब के लिए आप अवेलेबल एलिजिबल हो चुके हैं, आपने जो है क्वालिफाई कर दिया एग्जाम को। तो फ्रेंड्स ये दो पैटर्न में आपका जो है इसका एग्जाम है, और मैं बात करता हूँ इसकी कट ऑफ की बात करेगा अभी हम, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके पास 45 डेज जो बचे हैं, आप आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी अब तक आपका बेस बिल्कुल जीरो है मान लीजिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल आपकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है कि सिलोजम के लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको पजल के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपको अर्थमेटिक के लिए अलग से पजल मिलेगी, टाइम एंड वर्क की अलग से मैंने बना रखी है पूरे अर्थमेटिक में आपका, और इसमें अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, वीडियोस दे रखी है, और मंडे ऑनवर्ड्स जो है हम सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो भी आपका पैटर्न है, जो भी सिलेबस इसमें है इंग्लिश के लिए भी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, आपको सब कुछ इस पर अवेलेबल कराऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी कट ऑफ के बारे में, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद जो रीजन है इसकी जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो 80 गई थी, ओबीसी की 74, एसटी की आपकी 69.75। बेंगलुरु की अगर बात कर लेते हैं तो 77.75 जनरल, ये कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 74.75, एससी एसटी के लिए। भोपाल के लिए आपकी 83.25, भुवनेश्वर की आपकी 84.50, चंडीगढ़ की आपकी जनरल की कट ऑफ थी 87.50, चेन्नई की आपकी कट ऑफ जो 83.50, गुवाहाटी की कट ऑफ आपकी 77.25 गई थी, हैदराबाद की 87.0, जयपुर की 85.75, जम्मू की आपकी 80 गई थी, कानपुर की आपकी जो है 85 गई थी, कोलकाता की आपकी जो है 86.50 गई थी, और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की 87, जयपुर की आपकी 85.75, जम्मू की आपकी 80 गई थी, कानपुर की आपकी 85, और आपकी इसी तरीके से जो मुंबई है 74.25, नागपुर 80, न्यू दिल्ली 85.75, 86.25, 87.25, इस टाइप की आप अपना रीजन देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो इस बार भी जो है आपकी
2 साल आपका हो चुका है तो कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज कर गया है, तो आपको कट ऑफ अगर एग्जाम का लेवल यही रहता है तो आपकी कट ऑफ जो है इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, वैकेंसी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, तो उससे आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ चुका है कि 2 साल आपको हो चुके हैं एग्जाम दिए हुए 2017 में, तो इस बार भी कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगी। और एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी इजी रहता है, क्लर्क लेवल का एग्जाम का एग्जाम रहता है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आपको जो भी डिमांड है जो भी आपका आपका वीक सेक्शन है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मंडे ऑनवर्ड से आप इस चैनल पर रेगुलर हो जाइए, आपको मैं पूरी तैयारी कराने वाला हूँ आरबीआई असिस्टेंट के लिए, 100% गारंटेड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं पूरी अच्छे से इस वीडियो को तो आप 100% जो है सिलेक्शन आप ले जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैंकिंग ट्रिक्स 377 को इस बटन को आप दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।